Welcome back to my channel, Suman Happy Home. Nowadays, because of coronavirus, it is necessary to take precautions. And the main of all is mask, but they are running in shortage. So today we are going to make face mask with easily available material. So let's start. बनाना शुरू करते हैं. इसके लिए जो है हमें एक फैब्रिक चाहिए जो कॉटन की होनी चाहिए जिससे आप इजीली ब्रीथ सांस ले सकते हैं. और जो है इसके लिए लंबाई उस फैब्रिक की चाहिए 10 इंच, लेंथ चाहिए एंड विड्थ इसकी चाहिए 7 इंच, दैट इज 7 इंच. और इसके लिए आप 2 इलास्टिक ले सकते हैं, छोटी सी इलास्टिक है. और इसकी लेंथ होनी चाहिए 6 इंचेस, बोथ इलास्टिक 2 पीस 6 इंच लेंथ, ओके. और इसकी अगर आपके घर में इजली इलास्टिक अवेलेबल नहीं हो तो आप इसके लिए कपड़े की ही डोरी बना के आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं. ये वाली कैसे बनेगी आप इसको मेरे दूसरे वीडियो में आप इसको आसानी से देख पाएंगे. आप जो है इसके लिए इसको बनाने के लिए सबसे पहले हम इसके अपर साइड से ऐसे फोल्ड करके, डबल फोल्ड करके एक स्टिच अपर साइड पे लगा देंगे और दूसरी स्टिच नीचे से फोल्ड करके इधर लगाएंगे. ऐसे करके ये दोनों साइड से स्टिच कर लेंगे. हमने जैसे इसमें स्टिच ऊपर और नीचे दोनों साइड लगा दी है, अब हम इसमें 3 यहाँ पे प्लेट्स डालेंगे. दैट इज़ प्लेट्स डालने के लिए इसको सबसे पहले हम सेंटर कर लेंगे, दैट इज़ द सेंटर. और इसके बाद जो है एक फोल्ड इस साइड से लेंगे, फिर दोनों साइड यहाँ पे निशान लगा देने हैं हमें, और फिर इधर से दूसरी फोल्ड लेंगे और यहाँ पे निशान लगा देंगे. उसके बाद ये जो है इसको खोल करके और तीनों प्लेट्स को हम मिला देंगे लाइन, दैट इज निशान लगाने के बाद इस हमें दोनों साइड प्लेट्स डालनी है. प्लेट्स डालने के लिए इस साइड वाइज प्लेट्स डालना है. स्टिचिंग जो है हमें साइड वाइज करनी है, नॉट लेंथ वाइज. तो टू प्लेट और ये 3 प्लेट्स, ऐसे ही हमें दूसरे साइड कर देनी. दोनों तरफ प्लेट्स डालने के बाद ये इस तरह से हमारा बनके रेडी हो गया. अब रेडी होने इसके बाद जो है अब दोनों साइड से हमें इसमें इलास्टिक की जो हमने लिए इसको लगानी है. तो इसके लिए ये विड्थ जितनी हुई ये करीब 3.5 इंच है, 3.5 इंच है. तो इसके लिए हम 4.5 इंच के लगभग एक छोटी सी क्लॉथ लेंथ वाइज इसके बराबर और विथ वाइज 4.5 इंच, 4.5 इंच क्लॉथ लेकर के और विथ 1.5 इंच 1.25 इंच लगभग लेकर के 1.5 से 1.25 इंच लेकर के इसको उल्टी तरफ रख करके और इसको जो है हमें पहले यहाँ पे एक स्टिच लगानी है. अब ये स्टिचिंग उल्टी तरफ से सिलाई लगाने के बाद ऊपर भी हम दोनों साइड फोल्ड कर देंगे इस कपड़े को ताकि किनारा बाहर से ना खुले. और इसके बाद जो है इसको हम पलट लेंगे और ये सीधी टाइप सीधी की तरफ आकर के सीधी साइड और ये इलास्टिक जो है हमने जो लिया है इसको इधर रख देंगे. इसको इधर रखने के बाद अगर आपको स्टिचिंग में दिक्कत हो रही होगी स्टिचिंग एडजस्ट करने में इलास्टिक की तो आप पहले उस पर सिलाई चला लें. सिलाई चलाने के बाद अब जो है इसको इस कपड़े को इसके बराबर से फोल्ड करके और इसके ऊपर ऐसे करके स्टिच करनी है. जहाँ पे इलास्टिक है आप वहाँ पे 2 बार 3 बार आप स्टिच कर लीजिए ताकि आपके इलास्टिक खुले नहीं जब आप इसको यूज़ करें तो. और ऐसे ही नीचे साइड से आके और इलास्टिक का दूसरा किनारा हम इसके नीचे साइड स्टिच कर देंगे. और इस तरह से हम इसको स्टिच कर देंगे. और अब देखिए फ्रेंड्स ये इतने सुंदर से खुल गए हैं और
अब ऐसे ही हमें जो है अब ये एक साइड रेडी हो गया और हमें अब ऐसे ही सेम दूसरी साइड से बना लेना है। फ्रेंड्स एक इतना खूबसूरत सा बनके तैयार हो गया है मास्क। आप घर में अपने घर में बचे हुए कॉटन कपड़े से आप उसको बना सकते हैं और ये वॉशेबल है और आप इसको जो है घर में अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके घर में जो है इलास्टिक ना हो तो इसके लिए आप जो है कपड़े की डोरी बना के उसको भी यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए मैं दूसरा वीडियो में वो डाल दूँगी। वॉचिंग माई वीडियो फ्रेंड्स, लाइक इट, सब्सक्राइब इट एंड शेयर इट एंड कमेंट ऑल्सो। थैंक यू।